दोस्तों इंडोनेशिया में कुछ इस तरीके से फार्मिंग यानी कि खेती की जाती है, जिसमें सबसे पहले खेत के एक बड़े हिस्से में तालाब बनाया जाता है और फिर चारों तरफ एक बड़ा नाला बनाकर इस तालाब के आसपास पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं। और जब बारिश की वजह से खेतों और तालाबों में पानी भर जाता है, तब ये चावल के पौधे लगाने के बाद खेतों में ढेर सारी मछलियाँ छोड़ दी जाती है, ताकि यह मछलियाँ पानी में पनप रहे कीड़ों को खा सके, जिसकी वजह से खेतों में ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ जाता है और अनाजों की भी संख्या 10% तक बढ़ जाती है। और जब इस खेत का पानी सूखने लगता है तो यह मछलियाँ खेत से निकलकर पानी के जरिए तालाब में आ जाती है, जिसके बाद ये किसान उन्हें निकालकर मार्केट में बेच आते हैं।